वेदवीर जी, इनसे जी साइंटिफिक एटीट्यूड की हम उम्मीद भी कैसे करें, क्योंकि 17वीं शताब्दी में तो इनको पता चला, जब गैलीलियो जी ने बोला कि जी अर्थ फ्लैट नहीं है। पहले तो यही मानते थे कि अर्थ फ्लैट है और सूरज उसके आसपास ऐसे घूमता है, फिर जाके कहाँ सो जाता है वो पता नहीं होगा इन्हें, तो उसको कितना सताया, अभी तो इनको पता चला। और हमें ये जी बता दे, हमारे ऋषियों को जो असल में साइंटिस्ट, आई थिंक द काइंड ऑफ साइंस आर ऋषिज प्रैक्टिस वे बैक फ्रॉम द डेज ऑफ वेदा और इवन अर्लियर, क्योंकि वेदा से पहले भी बहुत कुछ हो गया होगा। जब वैदिक विजडम हमें जो मिली है उससे पहले भी तो बहुत कुछ मालूम होगा, तो तभी वो कॉम्पोजिशंस बनी। तो कैसे जाना होगा हमारे ऋषियों ने, और ये बेचारे क्यों इतने अज्ञान रह गए, जरा इसका बताइए। क्या कारण है कि इतने अनसाइंटिफिक होते, इतनी मंबो जंबो। अच्छा, क्राइस्ट की बर्थ के बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है, वो थे भी नहीं थे, वाकई 25 दिसंबर बड़ा दिन है, उनका जन्मदिन है, इसके बारे में भी खुद क्रिश्चियन स्कॉलर्स बहुत सवाल उठाए हुए हैं। जी और कंपेयर करें अगर हम श्री राम की या हमारे जो भी बड़े टेक्स्ट हैं उसमें हर एक में, महाभारत को ही लीजिए, किस दिन वॉर शुरू होता है, किस दिन खत्म जी होता है, सब एस्ट्रोनॉमिकली आप आज कंफर्म कर सकते हैं। ये कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और ये बेचारे दुखियारे क्यों इतने पीछे रह गए, जिसकी वजह से द्वेष करते हैं हर वक्त हमारे साथ। जी वेदवीर जी, जी मधु जी, हाँ, जैसे जिजित जी ने बताया कि 25 दिसंबर जो है वो जीसस का बर्थडे था ही नहीं। जीसस बर्थ के बारे में जो हिस्टोरिक है, हाँ, उनकी हिस्टोरिसिटी को लेकर जो भी प्रश्न है, मैं उस में नहीं जा रहा हूँ। जो रेफरेंसेस हैं इनके जितने भी क्रिश्चियन सोर्सेस में, कि जीसस का बर्थ जो है विंटर सोल्स्टिस के बाद 13 दिन के बाद हुआ था, विंटर सोल्स्टिस के दिन नहीं हुआ था। तो इसीलिए जो है आज भी ईस्टर्न चर्च, जो ईस्टर्न चर्च, क्योंकि वेस्टर्न चर्च ईस्टर्न चर्च आज भी जो है रशिया में, और जो जो ईस्टर्न चर्च के फॉलोअर्स हैं वो 6 जनवरी को मनाते हैं जीसस बर्थ, 25th को नहीं करते, आज भी वो करते। तो ये जो 25th वाला प्रॉब्लम है, ये है रोम से स्टार्ट होता है, क्योंकि रोम क्या था, वो मिथ्राइस से सूर्योपासक थे, सूर्य की उपासना करते थे, और सूर्य का जन्मदिन एक विंटर, क्योंकि जो नववर्ष था उनका वो विंटर सोल्स्टिस से प्रारंभ होता था, तो विंटर सोल्स्टिस उसी प्रथम दिन को, नववर्ष को ही सूर्य मिथ्रा गॉड के जन्मदिन के रूप में मनाते। अब प्रॉब्लम ये था, जो इनिशियल जो ये क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाले, उन्होंने एक फ्रॉडुलेंट तरीका अपनाया कि जो जो ट्रेडिशन से उनको करप्ट, तो उन्होंने उनके जो फेस्टिवल से उनको करप्ट करके मिथ्रा की जगह उन्होंने जीसस को रख दिया। ये एक्चुअली हुआ, एक ऑरेलियन, एक रोमन एम्परर थे, उनको पहले जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के बाद फिर उन्होंने 25th, क्योंकि सब लोग जो है ये मिथ्रा का जन्मदिन ही मनाया जा रहे थे, तो उससे क्या हो रहा है कि मिथ्राइज्म समाप्त नहीं हो रहा था, मिथ्रा कैसे खत्म करें, तो उन्होंने कहा कि पूरे उस पूरे फेस्टिवल को ही हाईजैक कर लेते। तो इन्होंने 25th दिसंबर को हाईजैक करके मिथ्रा की जगह जीसस को बिठा दिया। वस्तुतः जीसस का बर्थ जो है 13 विंटर सोल्स्टिस के 13 13वें दिन होता है, विंटर सोल्स्टिस के दिन में नहीं होता, ये उन्हीं के फैक्ट है। और आज भी जो है ईस्टर्न चर्च 6 जनवरी को मनाता है, 25 को नहीं मनाता। तो ये तो पहला वो है। दूसरा जो है, इन्होंने एक और काम किया, क्योंकि वर्नल इक्विनॉक्स से ही जो है ये नववर्ष मनाने की परंपरा पर्शियंस में भी थी, जो नवरोज की परंपरा है वही परंपरा वेस्ट में भी थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये करने के बाद भी 1 जनवरी के लोग नववर्ष नहीं मना रहे, तो क्या करें, तो 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल वर्नल इक्विनॉक्स, तो उसको फूल्स डे करके डिक्लेयर कर दिया। तो जो भी 1 अप्रैल को नववर्ष मनाता वो फूल है। तो ये जो फूल्स डे है ना, 1 अप्रैल को मूर्खों का दिवस जो कहते हैं, वस्तुतः मूर्ख वो थे जिन्होंने इसको मूर्ख दिवस बनाया, जो 1 अप्रैल को नववर्ष मनाते थे वो मूर्ख नहीं। तो तो हमें ये ये है फूल समस्या। अप्रैल फूल डे क्रिश्चियनिटी की फूलिशनेस का डे मानना चाहिए।
हाँ वस्तुतः वो है, उन्होंने जो चलिए है जो तो पहली अप्रैल से इस बार से व्यूअर्स आप सारे सुन लीजिए, क्रिश्चियनिटी की फूलिशनेस का डे है, फूल्स कल डे। हाँ, उस रूप में कीजिए और अपने को बुद्धू या फूल बनाने की कोशिश मत कीजिए कि किसी पड़ोसी को सता दिया और कहा अप्रैल फूल डे। इनको समझाइए, दिस द डे यू शुड होल्ड अ मिरर टू दिस इब्राहिमिक वर्ल्ड।